साधु और संत आपको आध्यात्मिक जीवन जीने का उपदेश देते हैं, साधारण जीवन जीने का उपदेश देते हैं, और तो और आपको उत्कृष्ट जीवन जीने का उपदेश देते हैं। लेकिन ऐसे ही साधु संतों के दरबार में लोग जो उनके खुद के होते हैं वो दूसरों की बेइज्जती करते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जितने प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, उनका विवादों से उतना ही रिश्ता जुड़ता जा रहा है। अब उनके कार्यक्रम में भाजपा के एक बड़े नेता, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन के साथ उनके ही बाउंसरों ने बदतमीजी कर दी, जिसकी वजह से वो वहां से वापस चले आए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की कथा स्थल पर एक पूर्व मंत्री की बेइज्जती हो जाती है। उन मंत्री जी को परिवार समेत जाना भारी पड़ता है। मंत्री जी को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। ये काम धीरेन्द्र शास्त्री के बाउंसर करते हैं। जरा सोचिए कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री के बाउंसर पूर्व मंत्री को धक्के मारकर बेइज्जत कर बाहर निकाल सकते हैं तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। जी हाँ, बालाघाट के परसवाड़ा के भादुकोटा में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की 2 दिन की वनवासी राम कथा का आयोजन हो रहा है। इसमें 2 दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार भी लगाया। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में इलाके के बड़े नेता, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के बाउंसर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता बिसेन के साथ बदतमीजी की और उन्हें धक्के मारकर भगा दिया। अपने आप को बेइज्जत महसूस करते हुए नाराज होकर भाजपा नेता परिवार सहित कार्यक्रम से निकल गए। धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजनों में जब वीआईपी लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार बाउंसर कर सकते हैं तो जरा आम जनता को भी सोच समझ कर जाना चाहिए। पता नहीं उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।